अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नूर। नूर, आप ये बताएं कि जिस तरीके से बाबर आजम को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, वो पिछली 8-9 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 650 कर दी हैं और फिर भी उसको पीसीबी की तरफ से भी तनकीद मिल रही है और कहा जा रहा है कि वो लीग खेलने के चक्करों में इधर उधर जा रहे हैं और फिर और दूसरी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो फिनिशर नहीं है, क्या ये बात करना ठीक है उनका? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो ये है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे बाबर की पहली मतलब के परफॉर्मेंसेस रही है उस लिहाज से ये जो रिसेंट मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी बेहतर है और लास्ट तक उन्होंने मतलब के फिनिश तक मैच को लेके गए और अपनी मतलब के 50 भी की। तो मैं यही कहूँगी कि इनको चाहिए कि बजाय इसके कि आप किसी मतलब के प्लेयर्स को डिग्रेड करें या उसे कोई तनकीद करें, आपको चाहिए कि आप उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, आपको कहाँ तक फील होता है कि एक कोच किस तरीके से किरदार अदा कर सकता है एक प्लेयर के बिल्ड पर? कोच बेसिकली कोच ही होता है जो एक टीम को मतलब के लेके चलता है और कोच ही डिसाइड ऑलरेडी जो मतलब के मैचेस में होना होता है ना, मतलब के जो भी मतलब के प्री प्लान, हम मैच खेलते ही तब हैं जब हमारा एक प्लान होता है, हम प्लान के अकॉर्डिंग मैच खेल सकते हैं, अदरवाइज मतलब के हम मैच मतलब के अच्छा देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी काफ़ी चेंज हो चुकी है और बार बार कंसिस्टेंसी के साथ चेंज हो रही है और इसका ख़तरा भी है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से आईसीसी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बैन कर सकता है। क्या ये चेंजेस होना बेहतरी की तरफ अलामत है या तनजली की तरफ अलामत है? ये तो मतलब के पहले से भी मतलब के नीचे आ रहा है, मतलब के ऐसे बार बार मैनेजमेंट को चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि एक काफ़ी टाइम लगता है आपको अपने कोच के साथ मतलब के एडजस्ट करने में, टीम को कि कोच कैसे आपको मतलब के कैसे ट्रीट करेगा या कैसे आपको सिखाएगा। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कप्तान है T20 के, तो उनको किस हद तक आप उनको बैकबोन देंगे कि उनको कितना सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद सुधारें? शहीन की ऑलरेडी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत बेहतर जा रही है। लास्ट टाइम जैसा कि आपने देखा वो मे बी पिच के लिहाज से वो वैसी परफॉर्मेंस ही दे सकते हैं जैसी उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट। शहीन एक कूलेस्ट कप्तान है या कूल कप्तान कहते हैं आप? कूल कप्तान है शहीन। और वो वजह क्या है? वो वजह यही है कि मतलब के काफ़ी अच्छे से लेके चलता है। अगर देखा जाए किसी से मतलब कि कोई कुछ हो भी जाता ना, मिसफील्डिंग भी हो जाती है, लेकिन वो अप्रिशिएट करता है। ये नहीं जैसे मतलब के बाकी अग्रेसिव हो जाते हैं या कुछ भी ऐसे। पानी को कैसे देखते हैं बाबर? मतलब के इक्वल मतलब के जैसे बाबर ने मतलब के कैप्टनसी की है काफ़ी हद तक उसकी भी बेहतर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कोई 10% कह लें ज़्यादा मतलब के शहीन अच्छी कर सकता है कैप्टनसी एज अ कैप्टन। अच्छा, आप कैप्टनसी उसको अच्छी कह रहे हैं, क्या या आप चाहते हैं कि यानी पाकिस्तानी आवाम तो चाह रही है कि अभी शहीन को कैप्टन बना रहना क्योंकि नया कप्तान है, क्या आप भी चाहते हैं कि शहीन अभी कैप्टनसी करे और मज़ीद उसको चांस दिया जाए वर्ल्ड कप तक? जी बिल्कुल, मज़ीद चांस मिलना चाहिए। मतलब के बाबर को तो आइडिया हो चुका है, मतलब के बाबर ऑलरेडी मतलब के कैप्टनसी में रह चुका है, तो चाहिए ना कि नेक्स्ट को आने चाहिए। चलें, शुक्रिया। ओके, थैंक यू।